हेलो डियर फ्रेंड्स, बच्चे अक्सर इस इंस्ट्रूमेंट को देखते ही घबरा जाते हैं। इसको अलाइन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा भी रखा हो आपको चिंता नहीं करना है। ये वाइल्ड डेविस माउथ गैग विद टंग रिप्रेसर है। इसमें से जो आपको कर्व पार्ट वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको आपको लेफ्ट हैंड की चार फिंगर से ऐसे घुमाते हुए पकड़ना है। थंब से इसके लॉक को रिलीज करना है और राइट हैंड से आपको सेरेसस वाला टंग रिप्रेसर लेना है। यदि आपके पास में कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे दिया तो इसको यूज नहीं करना है। इसमें जिसमें सेरेसस हो वो वाला टंग रिप्रेसर यूज होगा। ये कैसा भी रखा हो आपको घबराना नहीं है। लेफ्ट हैंड से आपको इसके कर्व पार्ट को पकड़ लेना है, राइट हैंड से आपको टंग रिप्रेसर को पकड़ना है। ध्यान रखें, टंग रिप्रेसर में जो ब्रॉड वाला पार्ट है जो टंग पर आना है वो नीचे रहे, छोटा जो हुक है ये ऊपर रहे। फिर आपको लॉक को थंब से थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको जेंटली ग्लाइड कर देना है और आपका अलाइनमेंट पूरा हो गया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, घबराहट में इसको उल्टा पकड़ लेते हैं और फिर उसको इंसर्ट भी कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि टंग डिप्रेसर और टीथ के लिए जो सेरेशन से इसमें कितना बड़ा गैप हो गया। ये गलत है। आपको इसको जब भी होल्ड करें ध्यान रखें ब्रॉड वाला पार्ट नीचे को आए, कर्व्ड ऊपर आए, लॉक को धीमे से प्रेस करें और इसको ग्लाइड कर दें एंड अलाइनमेंट पूरा हो जाएगा। घबराए नहीं, अच्छे से यूज करें। थैंक यू।